नमस्कार आदाब। कभी कभी इंसान जुर्म की उस राह पर चल पड़ता है जहां से ना वो आगे जा सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। कैसो लग रही हो है गाइस? घणो चोखो लग रही हो है, मजो आ रही हो है। एक किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा अभी तक, 1.5 किलोमीटर होगा। लिटरली अभी तक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट इन इट। मौसम तो पूरा नॉर्मल क्लाउडी है इस टाइम पे, प्रॉपर क्लाउडी। क्लाउडी नहीं कहेंगे, फॉग, फॉगी, क्लाउडी है ये, फॉग, इट्स नॉट फॉग, इट इज क्लाउड, इट इज क्लाउडी, रेन क्लाउड, क्लाउडी प्रॉपर ना, प्रॉपर रहेगा बोलना इसको। और जानवर तो कोई दिखा नहीं है, अच्छी बात है बुरी बात पता नहीं। छोटा मोटा दिखे तो अच्छी बात है, बड़ा ना दिखे तो बहुत अच्छी बात है। छोटा मोटा भी दिख जाए चलो, टेंशन देगा पर दर्द नहीं लगेगा जान का। हाँ, अगर शेर दिख गया तो, सॉरी शेर नहीं, लेपर्ड दिख गया तो भाई मैं तो भाग लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा, मैं सबको छोड़ दूंगा। कल भी मेरे को वो क्या कहते हैं, पर एक बात है, बियर मिला था, सीन बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बियर मिला। हाँ, भाई कल ये भाग गया था। हाँ, बियर मिला भाई, अपन से नहीं रुका जाता, बियर मिली, भालू भालू वाला बियर, ठीक है वो मिला। भालू बच्चे थे भाई, दो हाँ भालू बच्चे थे, भालू भी नहीं था। अपन ने 5 सेकंड लगाए गायब, हम तो गए इनके पहले। हाँ, वो तो मास्टर जी है, क्लास ले रहे थे, कलेक्टर बना रहे थे 4-5 बच्चों को। अरे मेरी शक्ल भी दिखा दो ये ना। हाँ, तो ये बात है। और पांडे जी, मैं भाई कुछ भी बोलो, पांडे जी डर लगे, पांडे जी में गुदा है। पांडे जी भागे फिर डट गए, फिर बोले कि अरे बच्चा ही तो है। और पांडे जी वापस गए, फिर मेरे में हिम्मत बंदी, मैंने सोचा जब पांडे जी मरा रहे जा रहे हैं तो हम भी चल लेते हैं। ये कौन बताएगा? अगर आप माउंट आबू आ रहे हो तो कम से कम 3 से 4 दिन की ट्रिप प्लान करना है ना भाई। अगर कोई माउंट आबू आ रहा हो 3 से 4 दिन की ट्रिप प्लान करना है एटलीस्ट, कम से कम 3 से 4 दिन। हाँ, अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो, क्योंकि बाकी घूमने की जगह ऐसे यहाँ पे कुछ खास है नहीं, मंदिर ही है 2-3। हाँ, पहले अगर यहाँ आने से पहले वहाँ पे जरूर हो गया ना, थोड़ी ब्लेसिंग ले आओ तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को ब्लेसिंग की। देखने में पूरा रास्ता सा लग रहा है कि रास्ता बना हुआ है, नो डाउट बना हुआ है, गंजाम भाई आगे पहुंच गए हैं, पर रास्ता रास्ते का मतलब ये नहीं कि खतरनाक नहीं है ये। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। मैं मिला, हाँ ए, हमें एक जानवर मिला, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत ही रेयर को क्या कहेंगे हिंदी में, टुच्चा, नहीं नहीं रेयर को क्या कहते हैं, रेयर को हिंदी में, रेयर को अद्भुत, दुर्लभ, दुर्लभ, हाँ दुर्लभ एक प्रजाति मिली हमें। लेट मी शो यू, लेट मी, कुछ कहना चाहोगे अभी? बिल्कुल हालत खराब हुई पड़ी है इस जंगल के अंदर, जगह जगह पर बहुत अच्छे सीन दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन पैर पैर हमारे कह रहे हैं कि लगातार 3रा दिन है तुम्हारे चलते रहने का, कुछ आराम दे दो हमें, कुछ आराम दे दो। लेकिन हमने कहा ना, जब तक हम इस जगह पर आए तुम्हें कोई आराम नहीं मिलेगा। हाँ, घूम नहीं लेते अब तक, एप्रोक्स ये लास्ट जगह हमारी माउंट आबू की जो एक्सप्लोर करने की थी। बाकी मार्केट में बहुत जगह थी, मंदिर थी, पर हम वहाँ नहीं घूम रहे ना, हमारे पास टाइम है क्योंकि आज हमारा आखिरी डे है यहाँ पे, और कल शाम को हमें दिल्ली पहुँचना है, तो कल अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे दिल्ली के लिए अराउंड 4 AM।
पूरे तीन से चार घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए, और अभी तक हम एंड पे नहीं पहुंचे हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बारिश चालू हो गई इस टाइम पे, और टाइम भी अप्रोक्स 3 बज गए हैं, एंड वी आर गेटिंग लेट। एक्चुअली इट्स गेटिंग डार्क, 3 बजे लग रहा है कि ऐसे शाम के 7 बज रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मानसून स्टार्ट आई है, और मानसून में बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। हम भी इस टाइम आधे भीग चुके हैं एज यू कैन सी। सो हमने डिसाइड करा हम अभी वापस जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी माउंट आबू जाएंगे ऊपर जाएंगे। और एक्चुअली हमें एक बंदा मिला रास्ते में, उसने ये बताया कि यहाँ से अभी 4 घंटे आपको और एटलीस्ट लगेंगे, 3 से 4 घंटे। या मैंने पहले गूगल करा नहीं था ये, अब मैंने गूगल करा तो दिखा रहा है टोटल 8 घंटे का रास्ता। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे हम, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ओड हिल। तो सी यू देयर। सो मैंने अभी आप लोगों को कहा था ना कि बारिश स्टार्ट हो गई है, ये तो बारिश स्टार्ट हो मुश्किल से 1 मिनट हुआ है, और हमारी हालत देख लो ऊपर से नीचे तक, कैमरा को मैं ऐसे बचा के चल रहा हूँ। ये वैसे खुद को यूज करनी चाहिए थी मुझे, पर फिलहाल ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। Right now we are just heading towards Jaipur Bernalo. Jaipur Bernalo. क्या खाने आया है भाई? उनका दाल बाटी चूरमा, और राजस्थान आया तो खाना बनता है। और सो हमने दाल बाटी तो नहीं खाई, पर हमने चूरमा खाया था वहाँ पे, जो कि लिटरली बहुत स्वाद था। अब हम नॉर्मली बाबा जी खाने गए थे, यहाँ पे दो चीज़ें जरूर खा लेते हैं एक बार, दाल बाटी चूरमा। अरे पापा जी किसके महाराजा होटल के नीचे है, आई डोंट नाम याद नहीं आ रहा नहीं वो पापा जी वाली पापा जी ने नाम कहा यार, महाराजा होटल के साथ में है, मेरा रोड पर ये बाजार के पास ही है। एंड दाल बाटी चूरमा आप खा लेना जोधपुर भोजनालय। हाँ जोधपुर भोजनालय पे बिल्कुल एंटर करते हुए उल्टा पर ही आपको मे बी लेफ्ट साइड पर ही आएगा। एंड बस इस ट्रिप के लिए उतना ही था, और सब खत्म हो चुका है। लेट्स सी आगे क्या मिलता क्या नहीं मिलता। See you on next vlog. Bye.